नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी है, सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का विरोध जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बड़ा बयान दिया है, साथ में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको अपडेट मिलती रहेगी। रीट पेपर लीक के मामले में खुलासा करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम उपेन यादव ने दे दिया है, साथ में अनशन का भी ऐलान इन्होंने करा है। इन्होंने बताया है कि 14 अक्टूबर से पहले अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हैं तो हम आमरण और अनशन का ऐलान भी करेंगे। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का विरोध जारी है। 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उपेन बोले, 7 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो 14 अक्टूबर को आमसरण अनशन पर बैठूंगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, राजस्थान के बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने मांग की है कि राजस्थान में जो रीट भर्ती में धांधली हुई उसको वापस करवाई जाए और निष्पक्ष रूप से CBI जांच करने की मांग लगातार बेरोजगार कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। फिलहाल कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से फिलहाल कोई भी बड़ा अपडेट, बड़ी खबर नहीं है, लेकिन रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों, लगातार हम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।